आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हज 2025 के जो भी आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह अमल में आया और देखा गया कि लोग जोश व खरोश से पहले ही दिन जो है अपने फॉर्म दाखिल करने के लिए आए। इस साल अच्छी बात यह हुई कि जो 70 साल के आज़मीन जाते थे उनके साथ एक अटेंडेंट हुआ करता था, उसको सेंट्रल हज कमेटी ने 65 साल यानी 5 साल घटा दिया है। 65 साल के लोग भी अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं। और मैं ख्वाहिश करूँगा ख़ासतौर पर 2024 में जो दुश्वारियाँ आए हैं इसको पेश नज़र रखते हुए कि कोई भी अपने ज़यीफ़ वालिदैन को अकेला ना छोड़े, क्योंकि उनके साथ एक आदमी को साथ ले जा सकते हैं। वो लाखों का मजमा रहता है, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से जो भी अपने वालिदैन हज का फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि विदाउट ड्रा बगैर खुर्रा के ही 65 साल की उम्र के लोग जो है उनके लिए वीज़ा आ जाएगा। और एक कवर में 5 आदमी रहते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ज़यीफ़ माँ बाप है कि 2 लड़के या उनके करीबी रिश्तेदार उनके साथ जा सकते हैं, बगैर ड्रा के ही वो लोग जो है अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जा सकते हैं। और ये महीना तक ये चलेगा। और जिनके पासपोर्ट 2026 तक का जो है उसकी वैलिडिटी रहना चाहिए, किसी के 2-3 महीने या 4 महीने भी जिसके भी पासपोर्ट वैलिड यानी अभी ख़त्म हो रही है तो एक्सटेंड करा लें। 2026 सितंबर तक जो है उनके पासपोर्ट में वैलिड डेट रहनी चाहिए। प्रेजेंटेशन भेजे उसमें से आज एक ही चीज़ सेंटर हज कमेटी से देखने को मिली कि 70 साल नहीं 65 साल के लोगों के साथ भी जो है अटेंडेंट दिया गया है। अभी हमारे को 8 महीने है CM साहब की तरफ से कार्रवाई हो रही है और हम बोर्ड मेंबर्स के साथ आज शाम में हमारे EO और असिस्टेंट EO 2 जो है बम्बई जा रहे हैं उनकी मीटिंग के लिए। हमने जो मुतालबात रखे हैं वो लोग कल मीटिंग में पेश करेंगे। मैं 3 बात इसके अंदर खास ये बता रहा हूँ लोगों को। हमारे तेलंगाना के हाजियों को आप जहाँ कहीं भी ठहरा कर रहे हैं, 1 महीना पहले जब बिल्डिंग सिलेक्शन होती है वो हमको बताएं। हम हमारे खर्चे से जाकर हमारे हाजियाँ जहाँ ठहरें हम वो बिल्डिंग देख के आएंगे। नंबर 2, हमारे खादिमुल हज्जाज को दूसरी तरफ रिपीट ना करें। जैसा कि तेलंगाना से सब जाते हैं सऊदी अरब पहुँचते तेलंगाना नहीं रहते लोग, इंडिया के खादिमुल हज्जाज हो जाते। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि तेलंगाना के खादिमुल हज्जाज, जैसा कि निज़ामबाद से ग्रुप जा रहा, हमारा खादिमुल हज्जाज यहीं से उनके साथ रहेगा, उनकी तरबियती कैंप में उनके साथ रहेगा। और एक भी मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि निज़ामबाद है, आदिलाबाद है, वरंगल है, हैदराबाद है, एक ही प्लेन में भिजाए, एक ही साथ भिजाए, एक ही बिल्डिंग में रखे, ताकि वो लोग भी दूसरे का सपोर्ट कर लेते, हमारा खादिमुल हज्जाज भी रहता। क्योंकि इस साल जो मसायल देखने हुआ है, लाखों का मजमा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, ज़यीफ़ लोग हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक है, रहने का इंतजाम एक है, वहाँ पर खाना तो खुद का रहता वो एक है, वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम का मुतालबा किया वो एक है, हमारे तरफ से भी एक टीम जाकर वहाँ हमें भी इजाज़त दे कि हमारे अराकीन भी जाकर जो है हज के दौरान हज नहीं करेंगे, वहाँ रहकर हाजियों की खिदमत करेंगे। इस किस्म के प्रपोजल हमने भिजाया और CM साहब ने खास तवज्जो दिया है, हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी गई है। और इंशाल्लाह अब तो आज तो कल तो EO की मीटिंग है, उसके बाद अब चेयरमैन की मीटिंग होगी, उसके अंदर हम भी बैठेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। इस साल कोई भी आजमीन किसी हाजी को भी तकलीफ होने नहीं देंगे। हमारे मेंबर भी इसी तरीके के हैं, ऑफिसर भी वैसे हैं, CM साहब खुद तवज्जो दिए हैं। अल्लाह चाहे तो हम 2025 का हज बेहतरीन करवाएंगे, अच्छे से अच्छा करवाएंगे। ये जो खिदमत है ऐसे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ रही तो अल्लाह चाहे तो हम जरूर उसके अंदर जो है कामयाब। वैलिडिटी है ना 26 सितंबर तक की रहने दी है। जी ऑनलाइन लास्ट डेट 9 सितंबर लास्ट डेट है। अगर कभी भी हर दूसरे स्टेट के लिए देखिए वो एक ही मसला है, जैसा कि 6,500 के बजाय हम जो है 6,000 एक्स्ट्रा भेजे तो यहाँ पर अच्छी सर्विस होती बोल के दूसरे लोगों को ऑप्शन रखे, उड़ीसा वाले को, कश्मीर वाले को भी ऑप्शन रखिए, तुम कहाँ से जाना चाहते वहाँ से जाओ। सब ने हैदराबाद देखा, यहाँ की मेहमान नवाजी देखकर, यहाँ की खातरदारी देखकर हैदराबाद देखा। उसमें तकलीफ क्या है, 6,000 आदमी को संभालना काफ़ी हो जाता है,
अब हम नहीं भी नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह के मेहमान है। कोशिश करेंगे कि हम यहीं के लोगों को ही खिदमत हमसे सही हो जाए। प्रोग्राम यहाँ अभी बताया ना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो हमको बताएं हमारे हाजी कहाँ ठहर रहे हैं, हमको बताएं, हम जाके पहले देखेंगे। और भी पहले जैसा था, एक ग्रीन और एक ब्लू हुआ करता था इस जमाने में, बीजेपी कैटेगरीज हुआ करती थी, जो 50,000 बढ़ के दिए, 1,00,000 बढ़ के दिए, तो उनको अच्छी होटल दी जाती थी, वो सब निकाल दिया गया है। इंशाल्लाह बीच में डिस्कशन होंगे और प्राइवेट लोगों को भी कोठा बढ़ाया गया है ताकि जो है जो लोग सहूलत चाहते हैं, महंगा खर्चा करके अच्छे फाइव स्टार होटल चाहते हैं, उनके लिए भी कोठा बढ़ाया गया है। और हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि गरीब लोगों को भी, औसत लोगों को भी जो है हज हो जाए। 3,50,000 एक आसान अमाउंट है, हर आदमी एक फरारी की तकमील हो जाती, कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास से जाए। जैसा कि आपने देखा नाज़रीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।